ये राजनीतिक विश्लेषण नहीं भाजपा के प्रवक्ता। अरे तो करिए ना शाहीन बाग, शुरू करिए करिए और देश को हराते रहिए। आप लोग बेशर्मों की तरह देश को हराते रहिए और दस मनाते रहिए। मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ केदारखंड कुछ पवित्र भूमि चाहता हूँ, जहाँ के धारे धारे में गंगा बहती है, जहाँ कण कण में शंकर बसता है, जहाँ माता अनसुया हुई है, जहाँ माता पार्वती हुई है। आप मुझसे सनातन की बात क्या लगता है कि हम श्रीलंका से आए हैं जहाँ निशाचर बसते थे? आपको ये लगता है कि हम श्रीलंका से आए हैं? सुन लीजिए अरे बीच में बोलेंगे तो वैसे लगेंगे। हम श्रीलंका से आए हैं जहाँ से रावण रहता था। सुन लीजिए, 14 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। सुबह ही बड़ा ऐलान करते हुए 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया। हमारे साथ स्टूडियो में मिश्रा साहब है, राजनीतिक विश्लेषक। मैं पहले उनसे आ रहा हूं बुटेला साहब, आपके मिश्रा साहब, क्या इसे हम मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माने या बड़ी भूल? क्योंकि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, किसान नेता है या बाकी जो उनसे जुड़े लोग कह रहे हैं कि अब तो आंदोलन शुरू हुआ है, अब तो हमारी और कई मांगे हैं, ये तो कुछ नहीं, ये तो शुरुआती मुद्दे, ये तो हमने कहा भी नहीं था कानून दो तो उन्होंने वापस ले लिया, हमें तो एमएसपी चाहिए और हमारे मुद्दे हैं उस पर बात होगी, तब हटने की हम बात करेंगे। उधर सीए से के जो लोग हैं ओवैसी साहब, उन्होंने कह दिया कि ये भी वापस लेना पड़ेगा। सूत्रों से ये भी खबर है कि शाहीन बाग में तो तैयारियां होने लगी फिर सड़कें जाम करने की। जी भाई, पाकिस्तान बना तो इसीलिए बना क्योंकि कुछ लोगों ने बोला धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, इसी तरीके से नेचर सेम था। सुरसा के मुंह की तरह इन लोगों का ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है। अब ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। रही बात, देखिए ये जो एग्री बिल आया था ये पॉइंट था एग्री इकोनॉमिक्स का। गवर्नमेंट से गलती कहां हुई, मैंने पहले भी डिबेट में बोला था, इंडिया एक एग्रेरियन जो है इकोनॉमी है और कृषि प्रधान देश है। एग्री इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न रख के, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होंगे किसानों को, इसको पॉलिटिक्स में घसीट लिया गया। जो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके कारण हमेशा से ही अपने देश को नुकसान होता रहा है और उसपे ये हो गए हॉबी। ये पॉलिटिक्स का विषय था ही नहीं एग्री बिल। एग्री बिल तो सीधे सीधे ये था कि किसानों को टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक और इकोनॉमिक वे में क्या बेनिफिट मिलेगा, इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। बाकी चर्चा ये होती रही, ये काला है, ये सफेद है, ये सारी चीजें हैं। मैं बोलता हूं, अब देखिए यहाँ पे आत्मबल की बात है। मैं किसान नेताओं से पूछना चाहता हूं, अब बिल वापस हो गया भाई, चलिए ढोल नगाड़ा दिवाली आप लोग मनाइए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर रत्ती भर आपके अंदर आत्मसम्मान है तो आप ये डिक्लेयर करिए, किसानों को अब आमदनी की कोई दिक्कत नहीं, सारे किसान अमीर बन गए, किसानों को कर्जे माफ करने की अब कोई दिक्कत नहीं, उनके सारे कर्जों की समस्या सुलझ गई, सारे किसान कर्जे दे देंगे, किसानों को बिजली बिल से अब कोई आपत्ति नहीं है, किसानों को अब कोई फ्री में नहीं चाहिए और हम आगे कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अगर आप इस तरह की चीजें डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप लालची हैं, सुरसा के मुंह की तरह। और लालच का जो पेट है या दिमाग है कभी भरा नहीं जा सकता। ये आज ये करेंगे, कल फिर किसी चीज को लेकर के। रही बुटेला साहब, बुटेला साहब मैं आपको मौका दूंगा, सुन लीजिए, धारा 370 की भी बात सुनिए। कुछ लोग बड़े खुश हो रहे थे, आपने बाइट दिखाई, मैं बोलूंगा इन छोटे मोटे मोहरों की बाइट वाइट मत दिखाइए। अब पाकिस्तान भी यही सोच रहा है कि अब कश्मीर हमारे लिए मिल जाएगा क्योंकि मोदी गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई। चाइना सोच रहा है डोकलाम, तिब्बत और ताइवान हमको मिल जाएगा क्योंकि भारत सरकार और 120 करोड़ की जनता बैकफुट पे आ गई है। अरे इतना आसान आपने समझाया क्या? मैं राजनीति उस पर नहीं करता हूँ, ये मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं है वो एक डिफरेंट विषय है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने या इस सरकार ने एक खूबी मैं बोलूंगा जो चीज होनी चाहिए, इसके पहले की सरकारों ने किसानों के ऊपर गोलियां भी चलवाई हैं, साधुओं के ऊपर भी चलवाई हैं, कम से कम इतना आंदोलन होने के बाद भी एक लाठी नहीं चली है। दिल्ली में जब किसान गए थे तो पुलिस हाथ जोड़ के खड़ी थी। ये इतना इनके दिल में, ये सरकार इतनी संवेदनशील है, किसान ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, है तो अपने ही देश के ना, अपने ही नागरिक है ना, कहीं ये लोग बैठे होते तो कश्मीर बना दिए होते इन लोगों की मंशा। तो कुल मिला के जो भी है, प्रधानमंत्री जी ने तब भी बोला था किसानों के फायदे के लिए है, किसानों के हित के लिए भी अगर कोई नेता झुकता है
तो उसका बड़प्पन बढ़ता है, कम नहीं होता है। देखिए ये मेरा मुद्दा है, मेरी जीत हो गई, मेरा ही सब कुछ है, ये छोटे दिल के लोग जो है वो बात कर रहे हैं। ये जो जश्न मना रहे हैं ये बताता है कि ये कितने छोटे हैं। कुछ लोग जो आंदोलन पे बैठे थे, करोड़ों करोड़ों किसानों का नुकसान करा के ये खुश हो रहे हैं। इनको हर हाल में अपना देश हार जाए वो मंजूर है, लेकिन इनकी जीत होनी चाहिए। बस ये चीज मैं बोलूंगा, इस मानसिकता के लोग हैं। नहीं 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 मिश्रा, मैं बुटेला साहब आऊंगा, मैं बुटेला साहब आऊंगा, नहीं सुना जाएगा ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं भाजपा के प्रवक्ता। अरे तो करिए ना शाहीन बाग शुरू करिए। अरे आप यूपी में गली गली में शाहीन बाग शुरू करिए, यूपी में फिर से शाहीन बाग आप शुरू करिए, करिए ना। कश्मीर में जाके आप बड़े खुश हो रहे हैं, कश्मीर में जा करके फैलाइए आतंकवाद। यहाँ टीवी डिबेट में बैठ के क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड पे करिए। शाहीन बाग आप शुरू करिए, कश्मीर में जा करके आतंक फैलाना शुरू करिए, तब हम आपके पार्टी के प्रवक्ता बनेंगे। आप इस तरह की बातें कहोगे? अरे जो सही है वो बोला है। मैंने कहा, मैंने तो बीजेपी को क्रिटिसाइज किया, मैंने तो बीजेपी को क्रिटिसाइज किया। आपकी तरह हम रट्टू तोते नहीं है कि केवल अपनी ही पार्टी का बखान करेंगे। मुझे बीजेपी कांग्रेस से कुछ लेना नहीं है। जो फैक्ट था इस आंदोलन का, एग्री बिल पे मेरे से बेहतर, मेरे से ज्यादा डिबेट आपने नहीं की होगी, और ना आप समझ सकते हैं कि उसके साइलेंट फीचर्स क्या है और इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। जो 70 साल से किसानों की समस्या जो सॉल्व नहीं हुई वो एक टूल था। एक चीज और मैं बोलूंगा, देखिए मैं एक चीज और बोलूंगा भाई, अपने देश की हार हमेशा हुई है। जहाँ पे ग्रेटा थनबर्ग आ जाए, विदेशी शक्तियाँ, जस्टिन ट्रूडो आ जाए, मिया खलीफा जैसे शक्तियाँ जब आ जाए तो वहाँ पे देश हार जाता है और ऐसे आंदोलनकारी जीत जाते हैं। तो बधाई हो आप लोगों को। मैं समझता हूँ कि मिया खलीफा को जल्दी ही आप लोग यहाँ बुला करके फिर नया आंदोलन शुरू करेंगे। करिए और देश को हराते रहिए, आप लोग बेशर्मों की तरह देश को हराते रहिए और जश्न मनाते रहिए। कांग्रेस ने बनाए, आपने नहीं। कांग्रेस की देन है देश बनाना, संविधान बनाना, देश के अंदर लोकतंत्र कांग्रेस ने दिया। ये बदबूदी पांच आपको पता ही नहीं है, आपको भारतवर्ष आर्यावर्त के बारे में पता ही नहीं है। ये देश कैसे बना है? पाकिस्तान बनाया हुआ है कांग्रेस का। मैं सिर्फ होके बोलता हूँ, मैं एके मिश्रा जी से कुछ समझना चाह रहा हूँ। एके मिश्रा जी, क्या ये जो आज फैसला लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को, जो एक बिखरा हुआ विपक्ष था, उसको एक संजीवनी मिलेगी इससे? जिस तरह से आज हमने देखा, कांग्रेस पार्टी हो, बाकी पार्टियां हो, सब कह रहे कि ये हमारी जय है, ये हमारी विजय है, क्योंकि हम किसानों के साथ थे इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। केजरीवाल जी हो, बाकी विपक्षी अखिलेश यादव जी कह रहे कि ये तो चुनाव का डर है और हमारी बहुत यात्राएं चल रही है इस वजह से डर गए हैं, और कांग्रेस कह रही है कि डर के आगे ही बीजेपी की हार है। तो आपको नहीं लगता इसके विपक्ष को संजीवनी मिली है और विपक्ष जो है ऐसी सड़कों पर उतरेगा और सरकार पर दबाव बनाएगा? देखिए, समुद्र में जैसे कोई 4-5 साल से भटका हुआ आदमी हो एक छोटी सी नाव पे, अगर एक बूंद भी बारिश की गिरती है ना, तो वो पूरा मुंह खोल के उस बूंद को अपने अंदर लेता है। विपक्ष का यही हाल है, एकदम सियासी जो है। आप ये देखिए, अकाल पड़ा हुआ था, रेत में एक बूंद पानी गिरा है और वो सारे विपक्ष वाले अपना मुंह खोल के वो पानी की एक बूंद को लपकने के लिए तैयार हैं और सोच रहे हैं हमारी प्यास बुझ जाए। सवाल ये है, जब आप बेसिक बैकग्राउंड, बेसिक सिद्धांतों पे आप करेक्ट नहीं होंगे तो एक बूंद से कभी आपके शरीर की डिहाइड्रेशन दूर नहीं होती है, प्यास आपकी नहीं बुझती है। हाँ, अगर मैं इंसानों की बात करूं, और तो विपक्ष का हाल यही है, उनके लिए तो ये संजीवनी नहीं, आप ये समझिए जो उनकी सांसें रुकी हुई थी, एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण अब उनको दिख गई है कि आंदोलन की एक सीरीज तैयार करके और लगातार हम आंदोलन करके, अराजकता फैला करके जो है हम अपने देखिए कंस्ट्रक्टिव वे में तो ये अपने मंसूबों में सफल होंगे नहीं, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स मुझे दिखती नहीं है। एक छोटा सा चीज क्या हुआ, मैं ये बोलता हूं कि ऐसे आने लगे कि अब तो जी हमारे मन से पूरे हो जाएंगे, कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाएगा, धारा 370 हट जाएगी, जितनी निगेटिव चीजें हो सकती हैं
वो सारी की सारी निगेटिव चीजें विपक्ष के नेताओं के मुंह से आ रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आत्मबल या नैतिक राजनीति का तो कोई जैसे इन लोगों ने कभी पाठ ही नहीं पढ़ा। नैतिकता ये होती यहाँ पे कि किसान आंदोलन करने वाले या विपक्ष के जो लीडर है, नेता है, वो ये बोलते हैं कि भाई आपकी जो है ठीक है, आपकी जो मेन मांग थी बिल वापस हो गया, अब आप इसी मंच से ये डिक्लेयर करिए कि किसानों की समस्या खत्म हो गई, अब हम आगे आंदोलन नहीं करेंगे, अगर कुछ करना भी है तो आपस में बैठ के हम बात कर लेंगे, रेदर देन कि जनता को और पूरे देश को उलझा करके, पूरे देश का विकास रोक करके हम बैठे रहेंगे। नैतिक पॉलिटिक्स तो है ही नहीं, किसी भी विपक्ष के नेता ने नहीं बोला, ना अपील की किसान के नेताओं से कि आप यही अनशन खत्म करिए और कंस्ट्रक्टिव वे में आप जो है सरकार से, विपक्ष से, देश की जनता से आप संवाद करिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है, एक धड़ा भारत गुलाम हुआ, मीर जाफर वाली कहानी आप जानते हैं, कैसे वो एक धड़ा लेके आंदोलन करने लगा कि जी हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर उस दिन मीर जाफर एक धड़ा लेके अलग नहीं हुआ होता, अनशन पे नहीं बैठा होता, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती है। मैंने इसीलिए शुरू में बोला, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अहम इस देश और इस देश के इतिहास के ऊपर रहता है या रख करके चलते हैं। देश कुछ भी हो जाए, देश का बंटवारा हुआ तो इसी भावना के तहत हुआ कि हमारी ये मांग पूरी होनी चाहिए, देश चाहे खंड-खंड हो जाए। मिश्रा जी, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं आपसे कि आज देखिए राजनीति, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, उनको भी चुनाव लड़ने हैं, और जाहिर तौर पर ये जो फैसला है ये चुनावी फैसला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी भी इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि आने वाले राज्यों में चुनाव है और उसके मद्देनजर पंजाब को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि वहां कुछ भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, आपने एक धड़े को, एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, या एक किसान जो नाराज थे आपसे, एक वर्ग के लोग नाराज थे उनको खुश करने के लिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लेकर अपने कट्टर समर्थकों को नाराज कर दिया है, और वो कैसे उनको मना पाएंगे? देखिए, सबसे पहला गलत प्रिडिक्शन और गलत स्टेटमेंट, मुझे माफ करिए, ये राजनीतिक फैसला नहीं है। राजनीतिक फैसले क्या होते हैं? किसी एक आदमी किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए, अपनी राजनीति साधने के लिए देश को दो धड़ों में बांट देना। जम्मू कश्मीर में आजादी के टाइम पे जो हुआ वो एक राजनीतिक फैसला था कि हमारी बात रहनी चाहिए और चाहे जो हो जाए। 500 मैं आपको ऐसे उदाहरण बताऊंगा जो प्योर राजनीतिक फैसले थे। राजनीतिक फैसला ये तब होता अगर बीजेपी को ये राजनीतिक फैसला देना होता या करना होता, तो वो प्लेट में सजा के उनके हिसाब से एमएसपी दे देती, जो जो चेंजेस बोल रहे हैं उनके हिसाब से कर देती, दो दिन के भीतर ये आंदोलन खत्म हो गया होता, ये मेरी एनालिसिस है। तो ये राजनीतिक फैसला नहीं है। राजनीतिक फायदा अगर लेना होता तो जो जो किसान आंदोलन के लोग बोल रहे थे वो सारी चीजें या उससे बेहतर चीजें प्लेट में सजा के दे दिया जाता, जैसे कि आप समझिए पाकिस्तान दे दिया गया था, या और बहुत अक्साई चीन प्लेट में सजा करके दे दिया गया था, बहुत सारी चीजें दे दी गई थी, और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो राजनीतिक फैसले थे। ये राजनीतिक फैसला नहीं था, क्योंकि इसमें देखिए न दिया गया है, न बीजेपी अपनी बात मनवा पाने में सक्सेस हुई, न किसानों की बात को मान, ये नल एंड वॉयड का केस हो गया। आपने कहा राजनीतिक फैसला नहीं है, लेकिन इसके टाइमिंग पर अगर हम जाए, आज गुरु पूरब है, कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब अमित शाह से मिलते हैं, 3 दिन पहले फार्म हाउस पर बीजेपी के सांपला साहब और यहाँ पंजाब के नेताओं से अमरिंदर सिंह साहब की मुलाकात होती है, क्या माना जाए इसको? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल भी राजनीतिक फैसला स्पेशली करंट गवर्नमेंट के लिए नहीं है। विपक्ष इसको इस तरीके से कोरिलेट करेगी, प्रोजेक्ट करेगी, या किसान नेता, देखिए टिकैत का तो एकदम सारा कुछ ये किसान आंदोलन नहीं है, राजनीतिक है उनका आंदोलन, ये छुपे हुए में राजनीतिक है, तभी वो वेस्ट बंगाल पहुंच गए। क्या मतलब है वेस्ट बंगाल में आपको किसी ने बुलाया? आप बार बार एमएसपी और इसकी किसानों की बात नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि चुनाव में हम हिसाब लेंगे, वो तो खुद ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मान रहे हैं कि हमारा आंदोलन राजनीतिक है और हम राजनीतिक बेनिफिट लेंगे, लेकिन ये राजनीतिक फैसला इसका नहीं है। यहाँ पे बीजेपी का ये है जो मुझे लगता है कि एक हर्डल जो बना है जिससे पूरे देश में एक तरीके का आप समझ लीजिए डिस्टर्बेंस या टर्मोइल बना है, उसको खत्म किया जाए। बिल परिष्कृत तरीके से हो सकता है साल भर के बाद भी आ जाए, 2 साल के बाद भी आ जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे बेनिफिट दिए जा सकते हैं। राजनीतिक फैसला तब होता है जब
पहले दिन किसानों ने डिक्लेयर किया, दो चार दिन आंदोलन चला, तुरंत प्लेट में सजा करके सारी चीजें दे दी गई। जैसे और भी उदाहरण मैं बताऊंगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं आपके पास आ गया हूँ। आपने सही कहा कि राकेश टिकैत साहब की बात की, वो तो राजनीतिक आज इतना बड़ा फैसला हो गया, और महाराष्ट्र में बिरसा मुंडा साहब की कोई वहां प्रतिमा लग रही वहां पर है वो, और महाराष्ट्र में जाकर सबसे बड़ी बात है कि वहां गन्ने का समर्थन मूल्य बहुत कम है उत्तर प्रदेश से, लेकिन उस पर उनका दिन भर में एक भी बयान नहीं आया। क्योंकि मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ केदारखंड उस पवित्र भूमि से आता हूँ, जहाँ के धारे धारे में गंगा बहती है, जहाँ कण कण में शंकर बसता है, जहाँ माता अनसुईया हुई है, जहाँ माता पार्वती हुई है। आप मुझसे सनातन की बात क्या लगता है कि हम श्रीलंका से आए हैं जहाँ निशाचर बसते थे? आपको ये लगता है कि हम श्रीलंका से आए हैं? सुन लीजिए अरे बीच में बोलेंगे तो वैसे लगेंगे। मिश्रा जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्या आज जो फैसला लिया गया है, जैसे हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से मांग आई है, और इस तरह का चित्र अगर बनता है तो क्या आप सरकार पर दबाव नहीं बनेगा कि आपने उनकी बात मान ली, आप हम पे हमारी बात मान लीजिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये एक लंबे डिबेट का विषय है। हिंदू राष्ट्र होने में जो सेकुलर आप दुनिया की बेहतरीन सेकुलर सिस्टम ले लीजिए, उससे बेहतर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रजा पालन का आपको तब मिलता है जब यह आर्यावर्त हिंदू राष्ट्र था। मैं इतिहास की बात करता हूँ। हिंदू राष्ट्र होने में प्रगति है, अपना विकास है, देश का है, दुनिया का विकास है, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आप 100 साल और ले लीजिए, आप उतना विकास नहीं कर पाएंगे जब हिंदू राष्ट्र बना करके और जो है सनातन सिद्धांतों को मानते हुए सनातन इकोनॉमी और सनातन जो सोशल सिस्टम था उसको जब चलिए मतलब आप कह रहे हैं।